आपका स्वागत है और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां हफ्ते भर पहले शुरू हुई बस सेवाएं यात्री न मिलने के कारण बंद होने की कगार पर पहुंच गई है। पिछले एक सप्ताह से प्रदेश में बस ऑपरेटरों को कोरोना के कारण बसों के संचालन में भारी नुकसान हो रहा है। कई बसों में 6 से 7 से ज्यादा सवारी नहीं मिल पा रही है। इतने कम यात्री होने के कारण बस संचालकों का डीजल का किराया तक नहीं निकल पा रहा है। ड्राइवर और कंडक्टर को वेतन देना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है और राज्य सरकार से लंबे समझौते के बाद 10% बसों का संचालन शुरू हुआ था, लेकिन एक सप्ताह यही हालात रहे तो प्रदेश में बसों का संचालन पूरी तरह से बंद हो सकता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में बस स्टाफ से जुड़ गए हैं हेमंत शर्मा। हेमंत, इससे पहले किराया बढ़ाने को लेकर भी मांग की गई थी और अब कहा जा रहा है कि सवारियां नहीं मिल रही हैं, इसके चलते हो सकता है कि बसें रोक दी जाए। तो क्या लगता है, सिर्फ यात्री ना मिलना इसका एक कारण है या कुछ और भी इसके पीछे कारण है? हाँ, देखिए अमनदीप, सरकार ने 10% बसों के संचालन की अनुमति दी थी और उसके बाद जो बस ऑपरेटर हैं वो इस बात को लेकर अड़े हुए थे कि जो उनकी 3 से 4 मांगे हैं वो पूरी हो। हालांकि सरकार से बातचीत में वो निष्कर्ष नहीं निकल पाया, लेकिन कुछ मुद्दों पर सहमति बनी थी और 10% बसों का संचालन एक हफ्ते पहले बस ऑपरेटरों ने शुरू किया था। लेकिन जिस तरीके से सवारी बसों को नहीं मिल रही है उसके कारण जो बस सेवा है वो बंद होने के कगार पर है। मैं अभी रायपुर के पंडरी बस स्टैंड पर हूँ। यहाँ पर सुबह से गाड़ियाँ लगी हुई है, लेकिन 3 घंटे 4 घंटे के लंबे इंतजार के बाद सवारी मिल भी रही है तो 1, 2 या 3 की संख्या में। अभी मैं मौजूद हूँ, यहाँ कुछ बस ड्राइवर हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। आप बताइए कितनी सवारियाँ अभी मिल रही है और डीजल का खर्चा निकल पा रहा है क्या इससे? डीजल का खर्चा निकल नहीं पा रहा है, 3 घंटे 4 घंटे में 10-12 सवारी हो पा रही है और हम लोग अच्छी बेरोजगार बैठे हैं। हम लोग के पास कोई रोजगार है ही नहीं, गाड़ी चल नहीं रही, कोई हमको पैसा दे नहीं रहा है। आप बताइए ऐसी हाल रहेगा तो कितने दिन चल पाएगी बसें? नहीं चल पाएगी सर गाड़ी, रोज के डीजल का पैसा कंपनी दे रही है, क्या चला पाएगी कंपनी? कितनी सवारियां निकल रही है रोज? सवारी नहीं निकल रही है बिल्कुल, जो दो 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 तीन तीन घंटे में 4 सवारी 5 सवारी मिल रही है। देखिए अमनदीप, मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा, ये धमतरी जाने वाली बस है, ये करीब 7:30 बजे से यहाँ पर खड़ी हुई है और अभी तक मुश्किल से 3 से 4 जो यात्री हैं वो अभी तक यहाँ उसमें मिले हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि 3 घंटे और 4 घंटे के बावजूद बिल्कुल हेमंत सवारियाँ मिलना काफी मुश्किल हो गई है। इस वक्त आपके आसपास कई सारे ड्राइवर मैं देख पा रही हूँ, आप उनसे पूछने की कोशिश कीजिए अब सरकार से क्या कुछ मांगे, क्योंकि इससे पहले मांगे की गई थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई है और काफी नुकसान भी हो रहा है, तो अब जानने की उनसे कोशिश कीजिए कि अब क्या कुछ मांगे उनकी। जी निश्चित तौर पर, क्योंकि बस संचालकों का अलग एक मुद्दा है, उनकी अलग अलग मांगे हैं, लेकिन जिस तरीके से ड्राइवर हैं उनको कई महीने से वेतन नहीं मिला है, उनसे बातचीत करते हैं आखिरकार उनकी मांग क्या है। ये बस संचालकों का अलग मुद्दा है, वो अपने स्तर पर मांग कर रहे हैं सरकार से, लेकिन आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे, हमको तनख्वाह मिलना चाहिए जी। कितने महीने से ये परेशानी हो रही है, वेतन कितने दिन? 3.5-4 महीने, पूरा 5 महीना हो गया बैठे हम लोग, जो अभी तक के 1 रुपया नहीं मिला मालक लोग से। बस मालिकों से संपर्क कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? नहीं दे पाएंगे हम लोग, बोल रहे हैं सीधा डायरेक्ट, तुम कमा के नहीं दोगे तो हम कहाँ से देंगे? तो भाई गाड़ी चलेगा तो कमाएंगे, नहीं चलेगा तो कहाँ से कमाएंगे, बताइए आप। ये अमनदीप, इस तरीके से समस्याएं बस ड्राइवरों पर आ रही है, बस संचालक जो संचालक है वो साफ तौर पर इनको कह दे रहे हैं कि बस ही नहीं चल रही है तो कहाँ से वेतन देंगे। हालांकि जो भत्ता देने की बात थी वो भी अभी तक स्वीकार्य नहीं हुआ है और इसी के चलते लगातार जो बस ड्राइवर हैं वो पूरी तरीके से परेशान है, क्योंकि लगभग 4 महीने से ज्यादा समय हो गया था जो बस जो सेवा है वो बंद थी और शुरू भी हुई है तो यात्री बसों में नहीं मिल रहे हैं, डीजल का खर्चा नहीं निकल रहा है और इसके चलते ड्राइवरों को भी वेतन जो बस संचालक है वो नहीं पर हेमंत जो ड्राइवर्स हैं उनकी बातें सुनकर लगता है कि बस संचालकों से ज्यादा जो नुकसान है वो ड्राइवर उठा रहे हैं और उन्हीं को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। चलिए आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।